गाइस व्हाट्सअप, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मॉमी टॉकीज के एक और नए वीडियो में आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप अपने बच्चों के लिए कोई बेबी क्रेडल या स्विंग चेयर ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए एब्सोल्युटली परफेक्ट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ लव लैब डिलाइट बेबी स्विंग चेयर के बारे में एंड उसके डिटेल फीचर्स एंड बेनिफिट्स के बारे में, जिसको बहुत ही ब्यूटीफुली एंड थॉटफुली बच्चों के हिसाब से स्पेशली डिजाइन किया गया है। एंड बेस्ट पार्ट है कि इसमें आपको ऑटोमेटिक फीचर भी मिलता है, मतलब ये ऑटोमेटिक स्विंग करता है और आप चाहे तो इसको इलेक्ट्रिसिटी से भी ऑपरेट कर सकते हैं या फिर मैनुअली भी ऑपरेट कर सकते हैं। अब आइए इस वेरी यूजफुल क्रेडल के बारे में डिटेल में बात करते हैं और इसके कंप्लीट फीचर को समझते हैं एंड समझते हैं कि किस तरीके से ये आपके बच्चों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद रहेगा एंड साथ ही साथ में आपको इसको इंस्टॉल करके भी दिखाऊंगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड। सो इस क्रेडल को आप अपने बच्चों के लिए यूज कर सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट डे ऑनवर्ड्स, मतलब न्यू बॉर्न ऑनवर्ड्स अप टू 2 ईयर्स एंड अप टू 25 kg तक का वेट ये क्रेडल बहुत ही आसानी से अकोमोडेट कर सकता है। बेस्ट पार्ट है कि ये EN71 सर्टिफाइड प्रोडक्ट भी है, मतलब ये आपके बच्चों के लिए एब्सोल्युटली सेफ है। इसमें आपको 3 डिफरेंट स्विंग स्पीड विद टाइमर भी मिलता है, जिसको आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे आपको अलग से रिमोट भी मिलता है और इस तरीके से आप स्विंग को ऑपरेट कर सकते हैं। इसके साथ आपको हाई डेंसिटी मॉस्किटो नेट भी मिलता है, मतलब मॉस्किटोज की भी आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। इंटरेस्टिंग पार्ट है कि इसमें आपको 2 रिटैचेबल टॉयज भी मिलते हैं, जिसको देख करके बच्चे काफी एंगेज रहते हैं, बच्चों को काफी अट्रैक्ट करते हैं एंड बच्चों का टाइम क्रेडल में और भी ज्यादा हैप्पी एंजॉयबल एंड फन बन जाता है। बच्चे इसको छूने की कोशिश करते हैं, इसको कैच करने की कोशिश करते हैं, जिससे बच्चों का मोटर स्किल का भी डेवलपमेंट होता है। बच्चों की सेफ्टी की अगर हम बात करें तो इसमें आपको 3-पॉइंट सेफ्टी हार्नेस भी मिलता है, मतलब बच्चे इस क्रेडल में या इस स्विंग में सेफ एंड सिक्योर भी रहते हैं। अनदर यूजफुल पार्ट है कि इसमें आपको मल्टीपल मेलोडी सॉन्ग्स भी मिल जाता है, जिसकी वॉल्यूम को भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेट करने के लिए आप चाहें तो इसमें 4AA बैटरी डाल सकते हैं, जो कि इसके साथ नहीं आता, आपको अलग से लगाना पड़ता है। एंड सेकेंड ऑप्शन है कि आप चाहें तो इसमें दिए गए अडैप्टर को पावर के साथ कनेक्ट करके भी आप इसको यूज कर सकते हैं। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपको इसको इलेक्ट्रॉनिकली यूज नहीं करना है तो आप इसको मैनुअल भी यूज कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि स्टोरेज की प्रॉब्लम हमें हमेशा से ही रहती है, बट इस क्रेडल को आप बहुत ही आसानी से कॉम्पैक्ट तरीके से फोल्ड भी कर सकते हैं एंड जहां पे भी चाहे स्टोर कर सकते हैं। इनफैक्ट आप इसको अपने कार के ट्रंक में भी डाल करके कैरी कर सकते हैं। इसको इंस्टॉल करना भी काफी ज्यादा आसान है, बस कुछ ही मिनट्स में ये काफी आसानी से इंस्टॉल हो जाता है। इस बॉक्स में आपको मिलता है 1 सीट फ्रेम, लेफ्ट एंड राइट आर्म्स ऑफ स्विंग, टॉय बार एंड मॉस्किटो नेट, 1 मैट्रेस, 4 फ्रंट एंड बैक बेस ट्यूब एंड सम एसेसरीज लाइक टॉयज, रिमोट अडैप्टर्स एंड 2 बेल्ट्स। इंस्टॉल करने के लिए पहले आप फ्रंट लेग के 2 पार्ट्स को अटैच कर दीजिए, फिर आप दोनों ही लेग्स को लेफ्ट एंड राइट फ्रेम के नीचे अटैच कर दीजिए। एक क्लिक का साउंड आएगा, मतलब ये अच्छी तरीके से अटैच हो गया है। फिर आप दिए गए वुडन बेस को सीट के नीचे फिक्स कर दीजिए एंड पूरी ही सीट को इस तरीके से ऊपर से लगा दीजिए एंड दोनों तरफ से दिए गए स्क्रू का इस्तेमाल करते हुए इसको अच्छी तरीके से फिक्स कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा, अगर स्क्रू अंदर अच्छी तरीके से चला गया है, मतलब ये अच्छी तरीके से फिक्स हो गया है। फिर आप मैट्रेस को इस तरीके से लगा दीजिए एंड दिए गए टॉय बार को इस तरीके से ऊपर से लगा दीजिए। यहाँ पे भी आपको टॉय बार के दोनों तरफ एक क्लिक का साउंड आएगा, मतलब ये अच्छी तरीके से अटैच हो गया है। फिर आप दिए गए दोनों प्यारे प्यारे टॉयज को भी फिक्स कर दीजिए। फिर आप दिए गए मॉस्किटो नेट को लगा दीजिए एंड लास्ट में आपको दिए गए एक्स्ट्रा बेल्ट को बेस ट्यूब्स के नीचे इस तरीके से अटैच कर देना है। दैट्स इट, एंड इस तरीके से आपका ये ऑटोमेटिक स्विंग क्रेडल रेडी हो जाता है। इसमें बच्चों को काफी सॉफ्ट एंड कम्फर्टेबल बेड मिलता है, जिसमें स्पेस भी काफी अच्छा है, मतलब बच्चों को उनका स्पेस मिलता है एंड इसके सीट क्लोथ को आप आसानी से रिमूव करके वॉश भी कर सकते हैं, मतलब बच्चों के लिए हाइजीन भी यहाँ पे बनी रहती है। और अगर आप चाहते हैं कि ये क्रेडल स्विंग ना करे तो इसके फ्रंट लेग में एंड बैक लेग में जो आपको बेल्ट मिलता है, आप उसको अटैच भी कर सकते हैं, उसके बाद ये स्विंग करना बिल्कुल बंद कर देता है। इसमें बच्चों को 180 डिग्री फ्लैट सरफेस मिलता है, जिसके वजह से बच्चे ज्यादा सेफ एंड कंफर्टेबल फील करते हैं। इसका डिजाइन मुझे काफी अट्रैक्टिव लगा एंड ये आपको डिफरेंट कलर्स में भी मिल जाते हैं, मतलब अपने बच्चों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कलर्स भी यहाँ पे बड़ी ही आसानी से चूज कर सकते हैं। सो ओवरऑल मैं आपको बोलना चाहूंगी कि अगर आप अपने बच्चों के लिए कोई बेड या क्रेडल या स्विंग ढूंढ रहे हैं
तो ये क्रेडल आपके बच्चों के लिए एब्सोल्युटली परफेक्ट है। ये काफी सेफ है, ड्यूरेबल है एंड रिलायबल है, एंड साथ ही साथ बच्चे भी इसमें रहना बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं। बच्चे काफी हैप्पी रहते हैं एंड मॉम हैप्पी रहती है। वेल, आपको ये ऑटोमेटिक क्रेडल कैसा लगा वो आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड अगर आपको लव लैब डिलाइट बेबी स्विंग चेयर पसंद आया होगा एंड अगर ये आपको अपने बच्चों के लिए भी खरीदना होगा तो ये आसानी से Amazon, Flipkart एंड लव लैब के साइट पे अवेलेबल है, जिसका परचेज लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे ही दे दूंगी। आप वहां पे क्लिक करके अपने बच्चों के लिए भी ऑर्डर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको कोई भी सवाल होगा तो आप मुझे कमेंट करके कभी भी पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो इसी के साथ मैं अमृता आज का वीडियो खत्म करती हूँ और बहुत जल्दी आपको मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।